अफ्तार 24 न्यूज। आरिफ हुसैन मुखवे की रिपोर्ट के मुताबिक 22 नवंबर मामुका बोबका वाला नस्त गलोटिया मोड़ तहसील 10 का जिला सियालकोट में सालाना मजलिस एज़ा बराए साले सवाब सुल्तानुल ज़ाकरीन मरहूम नवाब आरिफ ठंडू ज़ेर इंतजाम हिंदू बिरादरान मुनाक़िद जिसमें मुल्क पाकिस्तान के नामवर शख्सियात ज़ाकिर सफदर अब्बास कमी ज़ाकिर अहले बैत हसनैन रजा सावल ज़ाकिर नवाब वक़ार आरिफ गुजरात से नौजवान शायर और इमरान हाजी ताहिर अब्बास मौलाना फ़खर अब्बास इज्तिहादी रियाज हुसैन मुकदसी इलामा आसिफ रजा आसिफ ज़ाकिर अहले बैत साईं कैसर अब्बास कैसर ज़ाकिर शाहिद अब्बास बेगम ज़ाकिर शबाब हैदर ढंडू और मुल्क पाकिस्तान की नामवर शख्सियत इलामा अजहर अब्बास हैदरी ने अपने खिताब में कहा नबूवत खत्म नबूवत हो गई और विलायत शुरू हो गई है। इस वक्त तक आमद नहीं आ सकती जब तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 खलीफा अपनी खिलाफत ज़ाहरी पूरी नहीं कर लेते रोज़े महशर बर्पा नहीं हो सकती। जबकि मजलिस एज़ाम में नाज़ मेंबर के फ़राइज़ सोशल मीडिया गुजरात की मारूफ शख्सियत आरिफ हुसैन मुखबिर ने सरंजाम दिए। मजलिस पाक में मुंद्रावाला से पीर सैयद अकबर अब्बास कैलानी सैयद मुबशर हुसैन नकवी गुजरावाला चौधरी एहसानुल्लाह दयाल सैयद गुलाम शबीर कासिम चौधरी काजिम साहिब अफसारुल हसन डॉक्टर कामरान डॉक्टर तलहा और दीगर मुहिबाने आले मोहम्मद की कसीर तादाद ने शिरकत की। इख्तिताम हुआ और मोमिनीन में वसी पैमाने पर नियाज़े हुसैनी तकसीम की गई।